नमस्कार, लॉ सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। हालिया सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला बहुत सुर्खियां बटोर रहा है। ये मामला एक मुस्लिम महिला के धारा 125 के तहत मेंटेनेंस का है। मामला कुछ ऐसा है कि इसमें तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश को याचिकाकर्ता मोहम्मद अब्दुल समद के द्वारा चुनौती दी गई। पति ने अपनी तलाकशुदा पत्नी को इद्दत तक 15,000 रुपए देने की पेशकश की थी, जो कि मात्र 3 महीने तक होती है। लेकिन पत्नी ने फैमिली कोर्ट में याचिका दायर की, जहां 20,000 रुपए महीना गुजारा भत्ता देना तय हुआ। पति ने फिर से तेलंगाना हाई कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी। कोर्ट ने फैसले को तो बरकरार रखा, परंतु गुजारा भत्ता 10,000 रुपए कर दिया। देखो, 10,000 रुपए देना भी गवारा नहीं था, तो इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चुनौती दी। 1985 में भी सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो मामले में अपने फैसले में कहा था कि 125 सीआरपीसी एक सेकुलर धारा है जो सभी महिलाओं पर लागू होती है। तो उसके बाद राजनीतिक दबाव में तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने संसद में कानून पास कराकर इस फैसले को पलट दिया था। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने मुस्लिम महिला की ओर से गुजारे भत्ते की मांग पर ये बात कही कि महिलाओं की आर्थिक स्थिरता के लिए व्यावहारिक कदम उठाने की जरूरत है। अदालत ने कहा, अब समय आ गया है कि भारतीय मर्द होम मेकर की भूमिका को समझें। शीर्ष अदालत में याचिकाकर्ता के वकील वसीम कादरी ने ये दलील दी थी कि सीआरपीसी की धारा 125 के मुकाबले 1986 का कानून मुस्लिम महिलाओं के लिए ज्यादा फायदेमंद है। परंतु सुप्रीम कोर्ट की माननीय बेंच ने इस अपील को रद्द करके मामले को एक ऐतिहासिक मोड़ पर लाकर खड़ा किया।